ट्रांजैक्शन कार्यक्रम के तहत स्कूलों में की जाने वाले प्रवेश को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षण की अध्यक्षता में बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में कक्षा 6 और 9 में प्रवेश सुनिश्चित कराने पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर DIOS ने कहा कि पूरे जिले में कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रहने पाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी खंड शिक्षा अधिकारी डोर टू डोर संपर्क करके छात्रों का प्रवेश स्कूलों में कराए। उन्होंने कहा कि ऐसा देखने को मिलता है कि कक्षा 5 और 8 पास करने वाले छात्र आगे की पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में इन छात्रों को चिन्हित करके उनका प्रवेश सुनिश्चित की जाए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया ने बताया, कि जितने भी बच्चे कामकाजी बच्चे हैं उनको मुख्य रूप में 22 ग्राम सभा चयनित है और अभी जो है 27 वार्ड भी चयनित है। करते हैं सर्वे करवाते हैं, NGO के द्वारा सर्वे होती है, जो ये NGO है उनके द्वारा हम सर्वे करवाया है। यहाँ पे 10 ग्राम सभा का सर्वे भी हो चुका है, उसके बच्चे कितने ड्रॉप आउट बच्चे हैं, कितने रेगुलर कितने का एडमिशन नहीं हुआ है, वो सूची मेरे पास अभी आ चुकी है और कुछ का एडमिशन भी हम लोगों ने करवाया। लगभग 700 सूची मेरे पास आई कि इतने बच्चे जो है कि उनका एडमिशन ना होने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है, रेगुलर न जाने वाले बच्चों की संख्या 700 के नियर अबाउट में है। उसमें से 475 बच्चों को हम लोगों ने रेगुलर करवाया है सर। तो शायद कहना तो बहुत नहीं है कि उनको हम लोग मोटिवेट करने की बात करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशन का ही मतलब ये बना है कि हमारे 475 बच्चे जो रेगुलर हुए हैं, इसलिए हमारी महिला समाजें भी कर रही हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। तो हम जब सब लोगों का सहयोग मिल रहा है तो हम ऐसी आशा करते हैं कि कोई बच्चा जनपद के अंदर ऐसा नहीं बचेगा जिसका कक्षा 6 या कक्षा 9 में एडमिशन ना हो, ना नामांकित कोई बच्चा बचेगा। इस संबंध में सबसे बड़ा योगदान इस क्षेत्र में होता है हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, तो जिला बेसिक शिक्षा के एकदम से आप आए हुए हैं तो आप थोड़ा सा बताइए समस्या आ रही, बताइए। हमारे पास इतने हैंड्स हैं कि हम समस्या हल कर लेंगे, कि अगर आप हमको अभी बताएंगे 2 मिनट के अंदर उसका उत्तर दे देंगे आपको, पता लगा के कि कहाँ पे कौन सा बच्चा छूटा हुआ है, उसके पेरेंट्स क्या हैं, या SMC की मीटिंग क्यों नहीं हो पा रही है। लेकिन आप जहाँ जाते फोन जा रहा है उसके बाद ये नहीं बता रहे हमको क्या स्थिति आ रही है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खासतौर से बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए जितने खंड शिक्षा अधिकारी हमारे हैं तो उसका रिस्पॉन्स जोड़ दें। क्या समस्या आप मुझे ड्रेस कोड के स्कूलों को नहीं पता होता है, मतलब मदरसा की सूची की बात आई, कम्युनिकेशन की बात आई, कम्युनिकेशन गैप है, किसी के मोबाइल नंबर नहीं मिलते हैं बहुत सारे लोगों के। तो जहाँ तक बेसिक शिक्षा की बात है कि हम लोगों ने आपसे मान लो आश्वस्त किया है कि हम आपको सूची दे देंगे, मानता था आप विद्यालयों की सूची डिस्प्ले कर देंगे, हमारे जितने नोडल अधिकारी हैं संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी अपने नोडल अधिकारी को सूची प्रोवाइड करा देंगे। संबंधित सारी सूचनाएँ स्कूलों की सारी सूचनाएं जो जितने रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं उनके यूनिट कोड नंबर, उस स्कूल में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने टीचर पढ़ाते हैं, उनके क्या नाम है, उसमें कितने बच्चे हैं, कक्षा में कितने बच्चे हैं, यानी स्कूल से संबंधित जितनी भी जानकारी है आपने यूनिट प्रपत्र बनाया, सबने यूनिट प्रपत्र में जितनी जानकारी है वो सब वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और बेस्ट ये है कि हमारे जितने भी नोडल अधिकारी हैं चाहे बेसिक हों माध्यमिक हों, सबका एक दायित्व है कि जो बच्चा कक्षा 5 से 6 में और 8 से 9 में उनका एडमिशन कराना है, ठीक अभी अभियान चल रहा है, 15 मई तक हर बच्चा नामांकित हो जाना चाहिए, उसके घर घर जाके एक अभियान चल रहा है। हम लोगों का कुछ समाजसेवी संस्थाओं भी जुड़े हैं इसमें जी, कुछ समाजसेवी संस्थाएं भी इसमें काम करें, दो हमने NGO भी जुड़े हुए हैं, महिला समाख्या भी जुड़ा हुआ है और इसमें हमने पेरेंट्स को भी जुड़ा हुआ है, उनके जुड़े हुए हैं सब लोग, और सब लोगों का एक दायित्व बन रहा है कि हमारा बच्चा जो है जो जो भी है किसी भी सूरत में बिना नामांकित के रहना नहीं चाहिए।